हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो प्लम्बिंग का पाइपलाइन होता है, सीवेज लाइन होने दो, ड्रेनेज लाइन होने दो, जो बाथरूम से पाइप नीचे उतरता है वॉल का साइड से में, वो अक्सर चैम्बर में जाता है, नीचे उतर के चैम्बर लाइन में मिला के बाहर जाता है। फ्रेंड्स, कहीं कहीं हमको क्या करना पड़ता है, जो कि पाइपलाइन को ऐसा कुछ जगह हो जाता है जो हमको हैंगिंग करना पड़ता है, पाइप को हैंगिंग करके फिर हमको एक साइड से उतर के फिर चैम्बर में मिलाना पड़ता है। फ्रेंड्स, हैंगिंग करने के लिए जो 4 इंच पाइप होने दो चाहे 6 इंच पाइप होने दो, उसको कैसे हैंगिंग करेंगे जो सालों साल लटक के रहेगा, और वो क्या मटेरियल है और किस में हम उसको हैंगिंग करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो हमारा चैनल में आपको आगे मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, चले शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये 8 mm एक रॉड है, आपको पहले से जब भी आपको लेना है, ये 4 फीट 5 फीट और 6 फीट तक भी आता है रॉड, आपको जितना चाहिए रॉड, आप फुल थ्रेड रॉड 8 mm का फुल थ्रेड रॉड ये आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, और एंकर बोल्ट का फास्टनर, ये मैं आपको दिखाता हूँ उसका सेट क्या क्या आता है। फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये रॉड लेने का टाइम में लेने के बाद आपको कितना साइज का चाहिए उतना साइज आपको कट करना है, चाहे आपको 4 इंच होने दो 6 इंच होने, क्योंकि सीलिंग से आपको कितना डिस्टेंस में पाइप लेना है। अगर हमको सीलिंग से 6 इंच लेना है, 6 इंच का रॉड कट करना है, 6 इंच रॉड कट करने के बाद 2 इंच अंदर चला जाएगा और बाकी रहा 4 इंच, और इसके बाद हमको यू क्लंप में ऐसे हैंग करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, क्या करना है, आपको जितना साइज चाहिए पाइप का छोड़ के, बोले तो पाइप की हैंगिंग छोड़ के, बाकी आपको कितना रॉड चाहिए इसी हिसाब से आपको पहले कट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, अभी देखिए ये रॉड में कटिंग होने के बाद फिर आपको इसके एक 8 mm का चेक नट इसको चढ़ाना है, जो नट आता है उसको पहले इसी पाइप में चढ़ाना है, 2 इंच तक चढ़ाना, 2-2.5 इंच तक चढ़ाना है इसको, देखिए जहाँ तक क्लिप रहेगा और उसके बाद और एक रहेगा। ये नट चढ़ाने के बाद फिर इसको आपको एक वाशर देना है, ये वाशर ऐसे एक देना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 12 mm का क्लिप है, जो फास्टनर है, फास्टनर का क्या है, आधा तक थ्रेड रहता है, जो प्लेन रहता है, देखिए आधा प्लेन रहता है और आधा ग्रिप रहता है, देखिए थ्रेडिंग जैसा रहता है, थ्रेड तो नहीं है, ग्रिप बना हुआ है और ये कोटिंग भी हुआ है, चारों तरफ से कोटिंग हुआ है, और ये आपको प्लेन की तरफ जो है ऐसे अंदर डालना है। फिर आपको ये देखिए ये नट है, और ये चेक नट है, दो तरीका नट है इसमें लगता है, एक चेक नट और एक स्लोप नट, एक तरफ जो प्लेन बोले तो चेक नट की टाइप रहता है और एक तरफ स्लोप टाइप रहता है, देखिए। तो आपको क्या करना है, ये जो स्लोप की तरफ रहता है उसी को आगे टाइट करना है, टाइट तब तक करना है जब तक ये जो रॉड थोड़ा सा लेवल में रहे, देखिए ये लेबल से बाहर नहीं आना, ज़्यादा बाहर आए तो क्लिप ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा, देखिए इसके लेबल में रहना। फिर आपको हल्का सा ऐसे ही टाइट करके ये अभी सेट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, जब आप ड्रिल करोगे इसी जो ये 12 mm साइज का फास्टनर है, आपको 12 mm का बीट डालना है ड्रिल में, और इसको 12 mm डाल के फिर आपको 12 mm का होल करना है। कब तक हो, कहाँ तक होल करना है, आपको 2 इंच से, देखिए ये वाशर जाके सीलिंग में टच होगा और ये इतना अंदर ही रहेगा, तो इसका मतलब 2 इंच तक होल करे तो ये बिल्कुल छत पे जाके लग जाएगा, ये जो सीलिंग में टच हो जाएगा वाशर। फिर आपको उसको अंदर डालने के बाद फिर इसको आपको ये नट को टाइट करना है, स्लाइल पना होने दो या तो रिंग पना दो या छोटा स्पैनर होने दो या मंकी पनर होने दो, जिसमें भी आपको इसको टाइट करना है। जब आप इसको टाइट करोगे तो ये प्रेस होके जो स्लब नट है अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा तो ये जो कटिंग पीस का जो ग्रिप बना हुआ वो ऐसे खुल जाएगा, जिसके वजह से अच्छा से पकड़ के रखेगा सीलिंग में कंक्रीट में। अब फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है, अभी मैं आपको ड्रिल करके इसको सेट करके टाइट करके और यू क्लंप कैसे लगता है और पाइप कैसे हैंग होता है मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जो है इधर से ये बैक साइड से एक किचन लाइन है, उसको हमको ऐसे फ्रंट में लेके उतरना है उधर साइड में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हैंगिंग होके जाना है, इसलिए आपको क्या करना है, हमको अभी 4 इंच पाइप लेके जाना है, इसलिए हमको दीवार से 4 इंच छोड़ के
मार्क करके होल करना है और हर 3 फुट में एक होल करके बोल्ट डालना पड़ेगा। फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देखिए ड्रिल हो चुका है, ये मैंने ऑलरेडी ड्रिल मार दिया हूँ और ये ड्रिल को बताया था 2 इंच तक आपको ड्रिल करना पड़ेगा। ये 12 mm बिट है और ये 12 mm क्लिप है तो 12 mm बिट डाल के आपको ड्रिल करना है। ऑलरेडी ड्रिल हो चुका है, अब हम इसको जो बोल्ट डालेंगे, ये बोल्ट फ्रेंड्स, ये बोल्ट डालने का टाइम है पीछे 2 नॉट लगा देना है, नॉट को टाइट कर देना है और जो ये जो रॉड है थोड़ा नॉट से अंदर रहना, ताकि जब हम हथौड़ा में थोड़ा मारना पड़ता है अंदर जाने के लिए पूरा, इसलिए ये रॉड ख़राब नहीं होना, रॉड का थ्रेड को बचाना है क्योंकि बाद में यू क्लैंप के बाद आपको नॉट वॉशर डालना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी 2 नॉट डाला हूँ, थोड़ा सा हथौड़ी में इसको ऐसे मार देना, अभी ये देखिए ऑलरेडी जाके टच हो चुका है वॉशर, अब हम इसको टाइट करेंगे। फ्रेंड्स इसको टाइट करने के लिए पहले नट को खोल देना है, आपको रिंग पना ले सकते हो, रिंग पना सीधा अंदर डाल के आप टाइट कर सकते हो, 12 mm का जो आपको टाइट करना है तो 16-17 का पाना लेना पड़ेगा, मैं अभी रिंग पना में टाइट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये रॉड को पहले पकड़ना और उसके बाद ये रिंग पना में आपको टाइट करना, ये जब आप टाइट करते जाओगे ऊपर जो स्लोप नट लगा के हम अंदर डाला था वो अभी टाइट प्रेस होके नीचे आएगा और वो क्लिप फास्टनर जो होता है वो खुलना शुरू कर देगा और खोलने के बाद पकड़ लेगा वो अच्छा से। फ्रेंड देखिए ये टाइट हो चुका है, अभी इसमें हम क्लिप डालेंगे, हमको और सारी बहुत सारी बोल्ट मारना है, उसके बाद कैसे क्लिप डाल के हैंग करते हैं पाइप को मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये बोल्ट मारने के बाद ये है यू क्लैंप, ये यू क्लैंप 4 इंच का ये है, आप चाहे तो 6 इंच का, इससे थोड़ा बड़ा आता है, 6 इंच का 2.5 इंच का आप ले सकते हैं, इसी तरह का यू क्लैंप है और जो वो बोल्ट मारे हैं और बोल्ट को पाइप का अंदर जाके फिर ये दोनों तरफ यहाँ पे जो होल में वो 8 mm रॉड जो बाकी बचता है उसमें लगा के फिर आपको नॉट वॉशर डालना है। फ्रेंड्स देखिए ऑलरेडी मैंने पाइप को हैंग किया हूँ, अभी देखिए वहाँ से यहाँ तक हैंग हुआ है पाइप और इधर से उतरेगा नीचे। फ्रेंड्स अभी ये जो बोल्ट है देखो, मैंने ऑलरेडी वो जो बोल्ट मारा था बोल्ट का ऊपर देखिए ये बोल्ट है, बोल्ट में आपको अभी एक यू क्लैंप चढ़ा के पाइप का अंदर चढ़ा के फिर आपको एक नॉट वॉशर टाइट करना है, टाइट कर दिया तो स्लोप के हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो हर 3 फीट 4 फीट में एक लगा सकते हैं, आपका वेट के हिसाब से आपको इस तरह का देना है, कभी भी हैंगिंग लाइन करना है तो ऐसे ही हैंगिंग लाइन कर सकते हैं। ये इसमें कम से कम 100 kg वजन एक एक बोल्ट में उठा सकता है, इसलिए आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी हैंगिंग करने का ज़रूरत पड़ा तो इसी तरह का आप वो हैंगिंग कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो आपको हमारा चैनल में मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही है।